वीकेबी न्यूज के दोपहर की खबरों में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आई नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चंद्रशेखर बावनकुले ने दी ओबीसी आरक्षण पर प्रतिक्रिया, सरकार पर 2.5 साल आयोग नियुक्त न करने का लगाया आरोप। गोंदिया जिले के 4 तहसील में हुई अतिवृष्टि, नगर परिषद की लापरवाही से रास्ता बना तालाब। और देवर ने की भाभी और भतीजी को जिंदा जलाने की कोशिश, बुल्डाना पुलिस द्वारा किया गया मामला दर्ज। अब खबरें विस्तार से। चंद्रशेखर बावनकुले ने ओबीसी आरक्षण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 2.5 साल सरकार ने आयोग नियुक्त नहीं किया, जब आयोग नियुक्त किया तब पैसा नहीं दिया, लेकिन अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही कैबिनेट में ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में बैठक ली है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट के आगे सही इंपेरिकल डाटा पेश किया जाने वाला है, ऐसी प्रतिक्रिया उन्होंने इस वक्त दी। सरकार मध्ये झारीचे शुक्राचार्य होते ज्यांनी हे आरक्षण होऊ दिलं नाही। सुप्रीम कोर्टाने 2.5 वर्ष वारंवार 4 आदेश करूनही आयोग नेमला नाही, आयोग नेमला तर पैसाच दिला नाही। आता आयोग नेमला त्यांच्या बैठका त्यांनी घेतल्या नाही, मुख्य सचिवांनी बैठका घ्यावं लागतात त्या घेतल्या नाही, मुख्यमंत्र्यांनी बैठका घेतल्या नाही। आणि त्यांना खरं जसं मध्य प्रदेशनी जसं लोकप्रतिनिधीचा समावेश केला, 3 आमदारांना त्या ठिकाणी कमिटीमध्ये घेतलं आणि त्या ठिकाणी ओबीसीचं पूर्ण स्ट्रक्चर उभं केलं, बिना लोकप्रतिनिधीचा त्या ठिकाणी आयोग तयार करण्यात आला आणि त्या आयोगाने अत्यंत चुकीचं काम चालू केलं। यांच्याच काळात चालू केलं, भुजबळ साहेबांच्या काळात आणि वडट्टीवार साहेबांच्या काळात। आता समजलं आम्हाला ते चुकीचं आहे आणि तेच आता बोलतात आहे की चुकीचं झालं आहे, चुकीचं होत आहे, चुकीचं होत आहे। माननीय देवेंद्रजी आणि माननीय एकनाथ शिंदेजींनी पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये तातडीनं ओबीसीच्या आरक्षणासंदर्भाने बैठक घेतली आणि बैठक घेऊन त्यांना पूर्ण अभ्यास आहे, माननीय देवेंद्रजींना तर पूर्ण या ओबीसी विषयाचा संपूर्ण अभ्यास आहे। आणि कालही त्यांनी सांगितलं आहे की पहिल्या प्रायोरिटीवर ओबीसींचं राजकीय आरक्षण तातडीनं कायम ठेवण्याकरता अचूक डेटा तयार करून अचूक इम्पेरिकल डेटा तयार करून माननीय सुप्रीम कोर्टासमोर नेणे हे कालच त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे। मला वाटतं ही प्रक्रिया लवकर होईल, अचूक डेटा आडनावरचा चुकीचा डेटा हा रद्द होईल आणि राज्याचा क्लिअर डेटा हा सुप्रीम कोर्टापर्यंत जाईल, याची काळजी सरकार घेईल असं माननीय देवेंद्रजी सांगितलं आहे। आणि मला विश्वास आहे ओबीसीला खरा न्याय कोण देऊ शकतं तर एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारच देऊ शकतं असं मला या ठिकाणी स्पष्ट सांगायचं आहे। रामटेक तालुका के देवलापार और पवनी इलाकों में बिजली गुल है। ये बिजली कटौती पिछले 2 साल से चल रही है। एक बार बिजली चली जाने पर कई घंटे कई बार रात भर काम नहीं होता है, इसीलिए गणतंत्र पार्टी का मोर्चा विद्युत कार्यालय पर पहुंच गया। ये क्षेत्र जंगलों से घिरा हुआ है, जंगली जानवर और सांप बड़ी संख्या में रहते हैं। बिजली की कमी के कारण जंगली जानवर रात में अंधेरे में गांव में प्रवेश करते हैं और यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो कौन जिम्मेदार है, ऐसा सवाल हरीश उइके ने विद्युत विभाग से किया है। देवलापार में बिजली कार्यालय में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मोर्चा निकाला और 24 घंटे बिजली आपूर्ति को लेकर बयान जारी किया। क्षेत्र के कई किसान कई वर्षों से बिजली कनेक्शन की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कनेक्शन नहीं मिला है। क्षेत्र के विभिन्न गांवों में बिजली से जुड़ी कई समस्याएं हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर गोंडवाना को रिपब्लिकन पार्टी की ओर से इंजीनियर देवलापार को बयान दिया गया। जिला परिषद सदस्य हरीश विक्की ने भी गोंडवाना रिपब्लिकन पार्टी को 7 दिनों के भीतर सभी मुद्दों को हल करने के लिए उचित कार्रवाई करने की चेतावनी दी। इस अवसर पर नागपुर जिला परिषद के पूर्व कृषि अध्यक्ष महेश ब्रह्मनोट, बेलदा के सरपंच उमेश भंडारकर, प्रहार जिला अध्यक्ष रमेश कारमोरे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता और विभिन्न ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत सदस्य उपस्थित थे। पूर्व गृह मंत्री शंभुराज देसाई ने संजय राउत और शरद पवार इन दोनों दिग्गज नेताओं की तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि सांसद संजय राउत की वजह से शिवसेना का विभाजन हुआ, इसलिए मैं उन्हें महत्व नहीं देता, लेकिन शरद पवार जो कहते हैं वो भी कभी सच नहीं होता। राज्य में बगावत के बाद शंभुराज देसाई ने शिवसेना से अलग होकर शिंदे समूह में शामिल होने का फैसला किया था। कोणाला किती महत्व द्यायचं, ज्या संजय राऊतांमुळे शिवसेनेवर ही वेळ आली, ज्या संजय राऊतांमुळे पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आले 40 आमदार
बाहेर पडले त्याला किती महत्व देतो? आम्ही महत्व देत नाही त्याला. पवार साहेब बोलतात तसं कधी होत नाही. यापूर्वीचा अनुभव आहे. पवार साहेब म्हणले 25 वर्ष महाविकास आघाडी टिकल, 2.5 वर्षातच गेली. आता पवार साहेब सांगतायत मध्यावधी लागल, लागणार नाही. आरोप झाले की 50 कोटी रुपये तुम्हाला देण्यात आलेले आहे प्रत्येक आमदाराला, याबद्दल काय सांगणार? कोणी पुरावा आहे? चर्चा तर तीच होती. चर्चेला उत्तर आम्ही देऊ शकत नाही. एक पैसा घेतल्याचा पुरावा द्यावा, राजकारण सोडून घरी बसवा. उद्धव ठाकरे तुमचे नेते आहेत किंवा नाही? आम्ही शिवसेनेत आहोत. स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे साहेबांची शिवसेना पुढे घेऊन आम्ही चाललेलो आहोत. स्वर्गीय धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांची शिवसेना घेऊन आम्ही पुढे चाललेलो आहोत. शिंदे साहेबांना जे डावलण्याचा प्रकार झाला आमच्यासारख्या सदस्यांना, आमदारांना, तर ह्या आठल्या गोष्टी सांगणं योग्य नाही. पण विधान परिषदेच्या मतदानाला पक्ष कार्यालयातनं मतदानापर्यंत चौथ्या मजल्यावर जाईपर्यंत एक एक विधान परिषदेचा आमदार बरोबर जोडीला गेला. म्हणजे ज्यांनी 25-25, 30-30 वर्ष पक्षामध्ये काम केलं त्यांना पक्ष कार्यालयातनं प्रायोरिटी क्रमांक दिल्यानंतर तिथून मतदान केंद्रावर जाईपर्यंत सुद्धा विधान परिषदेतला एक आमदार विधानसभेच्या आमदाराच्या बरोबर एवढा गैरविश्वास जर स्वतःच्या पक्षातल्या आमदारांवर दाखवला गेला असेल पलीकडे. गोंदिया जिले में कुछ दिनों से जबरदस्त बरसात से गोंदिया तिरोड़ा सड़क अर्जुनी गोरेगांव तहसील में अतिवृष्टि हुई है, जिससे किसान भी खुश दिखाई दे रहे हैं. जबकि नगर परिषद की लापरवाही से अनेक वार्ड में बदबूदार कचरा और भ्रष्टाचार किए गए वार्डों के रोड पर भारी गड्ढे होकर शहर में बाजार लाइन में तालाब नजर आ रहा है. दूसरी तरफ गटर योजना के गड्ढों से दुर्घटनाएं हो रही है, इसलिए नागरिकों द्वारा शासन से ध्यान देने की मांग की जा रही है. खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का. मिलते हैं ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhi Nagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो. बार बार उठो बैठो, उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. स्वागत है. पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बिजली को लेकर बड़ा फैसला किया है. इस बाबत बुधवार को मान सरकार ने कैबिनेट की बैठक की. कैबिनेट की बैठक में ये तय किया गया कि दिल्ली की तर्ज पर अब पंजाब के निवासियों को भी फ्री बिजली मिलेगी. आम आदमी पार्टी की मान सरकार ने आखिरकार पंजाब की जनता को हर बिल पर 600 यूनिट फ्री देने पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लगा दी है. पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली देने का वादा किया था. हालांकि इस घोषणा को लेकर काफी बवाल भी हुआ था.
लेकिन आखिरकार भगवंत मान सरकार ने पंजाब के लोगों को मुफ्त बिजली देने का फैसला कर लिया है, जिसके तहत अब पंजाब की जनता को हर बिल पर 600 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। दिल्ली की आप नीत केजरीवाल सरकार लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली देती है, जबकि राजधानी के लोगों को 400 यूनिट तक आधे दाम की छूट दी जाती है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में कई सालों से सरकार है, जहां फ्री बिजली योजना काफी चर्चा में रहती है। शिवसेना के बागी विधायक संदीपान भुमारे मंगलवार 5 जुलाई को औरंगाबाद लौटाए। कार्यकर्ताओं ने आज चिकल थाना एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया। यहां पत्रकारों से बात करते हुए भुमारे ने कहा कि मैं किसी से भी नहीं डरता, शिवसेना बाला साहब ठाकरे की है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना के विचार लेकर चल रहे हैं। इस वक्त कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे। तुम्हाला सांगतो कोणी स्लीप बॉय असन कोणी कारकुन असन हे सगळे बाळासाहेबांनी घडवलेले लोक आहे आणि बाळासाहेबांमुळे आम्ही आमदार मंत्री झालेलो आहे। उद्धव ठाकरेंचं काय? उद्धव ठाकरेंचं आता उद्धव ठाकरे साहेब आम्ही एकनाथ शिंदे साहेबासोबत आहे। एकनाथ शिंदे साहेब जे काही निर्णय घेतील ते आम्हाला मान्य। राज्यामध्ये आता नवी शिवसेना एक पुन्हा तयार होणार आहे, म्हणजे एकनाथ शिंदेची वेगळी नाही, उद्धव साहेबांची शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे साहेबांची शिवसेना नाही। शिवसेना ही बाळासाहेबांची आणि बाळासाहेबांची शिवसेनेचे विचार हे एकनाथ शिंदे साहेब घेऊन चाललेले, म्हणून आम्ही एकनाथ शिंदे साहेबासोबत आहे। निस्तर संदीपान भुमरे नाही तर तुम्हाला सांगतो आम्ही 9 मंत्री आणि जवळजवळ 41 आमदार आहे, म्हणजे आम्ही सगळे मिळून 50 जण आहे। म्हणून मला सांगायचं की हे देशातलं पहिला उठाव आहे सत्ताधारीच्या विरोधात। आज ते कुठं देशात घटना घडली नसेल की सत्ताधारीच बाजूला गेले काय? मोठी गर्दी झाली आहे स्वागताला। गर्दी ही फक्त बंडाला पाठिंबा मला सांगतो हे बंड नाही हे उठाव आहे। अच्छा, आणि तुम्हाला सांगतो मी 11 वाजता सांगितलं मी येऊ राहिलो कधी, आणि मी कोणाला सांगितलं नाही तुम्ही या म्हणून, जर मी सांगितलं असतं इधर जागा पुरली नसती काय। बुलढाणा में हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें सगे देवर ने दौलत की लालच में अपनी बड़ी भाभी और उनकी दो बेटियों को जिंदा जलाने की कोशिश की, जिसमें मां और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बुलढाणा जिला सामान्य अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें इलाज के लिए औरंगाबाद रेफर कर दिया गया है। जालना जिले के जाफराबाद तालुका के कोण के रहने वाले और बुलढाणा जिले की सीमा पर रहने वाली मंगलाबाई परिहार के पति का 5 महीने पहले निधन हो गया था। चूंकि मंगलाबाई परिहार के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनके देवर समाधान राम सिंह परिहार उनकी संपत्ति पर नजर रखे थे। वह बार बार अपनी भाभी से बहस भी करता था। 2 जुलाई की रात आरोपी समाधान राम सिंह परिहार ने साजिश रचकर रात को करीब 3 बजे घर में पेट्रोल डालकर उनके घर में आग लगा दी, जबकि तीनों घर में सो रहे थे और उन्हें जैसे ही आग लगने का पता चला वो तीनों मां बेटियां घर से निकलने में सफल रहे। हालांकि बाहर आते ही समाधान राम सिंह परिहार ने दोनों मां बेटी के शरीर पर पेट्रोल छिड़का और उन्हें जलाने का प्रयास किया। आग में मंगलाबाई परिहार और पूनम परिहार गंभीर रूप से घायल हो गए और ज्ञानेश्वरी परिहार नाम की बेटी बाल बाल बच गई। घायल मां बेटी का बुलढाणा जिला सामान्य अस्पताल में इलाज किया जा रहा था, लेकिन अब औरंगाबाद में इलाज के लिए रेफर किया गया है। इस घटना के कारण उनकी जान को खतरा है, इसलिए आरोपी समाधान परिहार पर आरोप लगाया जाना चाहिए और तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ऐसी मांग मंगलाबाई परिहार के रिश्तेदारों ने की। पुलिस ने आरोपी समाधान परिहार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। माझं नाव विनोद इंगळे आहे, मी म्हणजे चंदनपूरतील रहिवासी आहे। ज्ञानेश्वरी माझी आत्या बहिणी ही पुनर्बुजुर्ग तालुका जाफराबाद जिल्हा जालन्यामध्ये रात्रीला मध्यरात्रीला 2 दरम्यान तिच्या काकाने समाधान रामसिंग परिहार याने त्यांच्या घराला आग लावून माझ्या आत्याला व तिच्या दोन आत्या बहीण पूनम तसेच ज्ञानेश्वरी यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला। याच्या मागचं कारण म्हणजे त्यांच्या प्रॉपर्टीवर मालमत्तेवर नजर आहे, त्यांचे म्हणजे त्यांना त्यांची जमीन बळकवण्यासाठी जमीन पूर्ण बळकवायची असल्यामुळे त्यांना रात्री जीवित मारण्याचा प्रयत्न केला। ते करत असताना ते घराच्या बाहेर पडले, घराला आग लागल्यानंतर हे उठल्या आणि घराच्या बाहेर पडता क्षणी त्यांच्या हातात स्प्रे होता आणि त्यांच्या आमच्या आत्याच्या देराच्या हातात समाधान परिवार त्यांनी तो स्प्रे तसेच त्यांच्या हातात असणारा दिंडूक होतं, हां दिंडुकाने ते स्प्रे माझ्या आत्याच्या अंगावर मारला। नंतर ते पकडायला तो वारा माझ्या आत्या बहिणीने घेतला पूनम, तिच्या पाठीला आग लागलेली पाठ जळलेली तसेच माझे आत्या बहिणीला पोटालाही जळालेली आहे।
या उपचारासाठी त्यांना चिखली या ठिकाणी आणण्यात आलं. प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये त्यांना काही घेतलं नाही. नंतर त्यांना सरकारी रुग्णालय बुलढाण्याला शिफ्ट करण्यात आलं. आज रोजी त्यांची गंभीर अवस्था झालेली आहे. सिरी त्यांची सध्या जीवनमरणाच्या रेषेवर आहेत. तरी शासन तरी प्रशासनाने जागृत होऊन आम्हाला न्याय द्यावा आणि त्यांच्या ज्या समाधानरामचे परिहार आहे त्यांच्यावर कायदेशीर न्यायालयीन दंडात्मक न्यायालयीन कारवाई करण्यात येईल ही आमची प्रशासनातली मागणी आहे. माझं नाव ज्ञानेश्वरी राजेश्वर परिहार, गाव कोण आम्ही आम्ही शेतात राहतो. गावापासून 1 किलोमीटर आम्ही रात्री झोपलेलो असताना माझ्या काकांनी म्हणजे त्यांचं नाव समाधान रामसिंग परिहार यांनी मग पंप पाठीवर घेऊन त्यात रॉकेट पेट्रोल टाकून मागून घर पेटवलं. मला एकदम जागा आली. मी माझ्या आईला आणि बहिणीला उठवलं तर आम्ही बाहेर जाण्याचा प्रयत्न केला तर बाहेरून सगळे दरवाजे लावून घेतलेले होते. वरचा थोडासा दरवाजा उघडायचे हे होतं खीण होती तर आम्ही त्याच्यातून दरवाजा उघडला. बाहेर आलो तर ते मागून पळत आले आणि त्यांच्या पाठीवर पेट्रोलचा पंप होता. चार्जिंगचा पंप त्यात पेट्रोल टाकलं होतं. त्यांचं नाव समाधान परिहार होतं. त्यांनी माझ्या बहिणीच्या माझ्या आईच्या अंगावर पेट्रोल टाकलं आणि एक धेंडूक होता हातात ते जाळ लावलेला होता. ते जाळ पकडला माझ्या आईने चेतवलं. माझी बहीण मनात गेली धरायला माझ्या आईला. तिची पाठ सगळी पूर्ण भाजली. पंढरपुर में संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी समारोह का दूसरा दौरा सोलापुर जिले के खुदूस में आयोजित किया गया था. गोल रिंगन एक बड़े भक्तिमय माहौल में शुरू हुआ. प्रारंभ में ध्वजवाहक और बुनकर अखाड़े के चारों ओर दौड़े. उसके बाद सम्मान के घोड़ों ने अखाड़े के 2 चक्कर पूरे किए और माउली की पादुकाओं के दर्शन किए. संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी समारोह में इस समय माउली नाम का स्मरण किया जा रहा था. पंढरपुर की ओर से जाने के लिए वारकरियों को अखाड़े से अधिक ऊर्जा मिलती है और इसी ऊर्जा के प्रतीक के रूप में फुगड़ी का पारंपरिक खेल अधिक महत्व प्राप्त कर रहा है. अखाड़े के बाद समारोह वेलापुरा पहुंचा. समारोह गुरुवार को पंढरपुर तालुका में प्रवेश करेगा और भांडीशे गांव पहुंचेगा. संत तुकाराम महाराज का पालकी समारोह मालीनगर में आयोजित किया गया था. इस समय सड़क के दोनों ओर भक्तों की भारी भीड़ तुकाराम माउली तुकाराम के नारे लगाने लगी और खड़ी सड़क पर सम्मान के घोड़े एक सीधी रेखा में दौड़ पड़े. इसी के बाद सभी वारकरी भक्त भी दौड़ पड़े. कल समारोह पंढरपुर तालुका के पिराची कुरोली में होगा. तो वीकेबी न्यूज के दोपहर के खबरों में बस इतना ही. फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ. तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज. नमस्कार.